नमस्कार दोस्तों आपका मेरा चैनल टूटेम पर स्वागत है आज हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एसिलोरेशन के बारे में पढ़ेंगे लास्ट वीडियो में में हमने के बारे में पढ़ा था दो टाइप का होता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एसिलोरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्योंकि रेट होता है इसलिए हम टाइम से डिवाइड करते हैं फाइनल वेलॉसिटी वी से होता है डिनोट इनिशियल से होता है अब यहाँ पे देखिए कार है जो ए से स्टार्ट कर रही है

टेन तो इन दोनों का हम माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय बीसी के लिए होगा थर्टी माइनस ट्वेंटी डिवाइडेड बाय फिफ्टीन बीसी सी डी के लिए होगा फोर्टी माइनस थर्टी डिवाइडेड बाय फिफ्टीन आप कहेंगे यहाँ मैंने डैश क्यों लिया या मैंने डैश इसलिए लिया क्योंकि हमारी जो कार है वो इसे स्टार्ट कर रही है तो इससे पहले उसने कोई टाइम नहीं लगाया

डिक्रीज तीस से साठ इंक्रीज यहाँ पे हुआ हमारा थर्टी मीटर पर सेकेंड का यहाँ हुआ माइनस टेन का हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है इसीलिए ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है अब एक्सिलेशन है अब आपसे कोई बोलेगा कि इसमें हमें बी के लिए एक्सिलेशन निकालना है सेकेंड so, इनिशियल हुई टेन और जो टाइम है वो हुआ 15. अब हमारे BC के लिए फाइनल वेलोसिटी हुई 30 इनिशियल हुई 40 और टाइम इंटरवल दोबारा हुआ हमारा 15 ऐसे हमारा CD के लिए फाइनल 60 इनिशियल 30 एंड हमारा टाइम इंटरवल 15 तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहां आप देख सकते हैं कि सेकंड केस में हमारा जो 66 है उसके आगे माइनस का साइन है ये माइनस जो है अगर हमारे एसेलेशन के सामने माइनस का साइन आता है तो हम उसको बोलते हैं रिटार्डेशन क्या बोलते हैं रिटार्डेशन रिटार्डेशन के केस में क्या होता है ये भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है फर्क बस इतना सा है कि आपके जो एसेलेशन है वो डिक्रीज हो रहा है वो कम हो रहा है और ये हमें पता लगता है इसके माइनस साइन से आशा करते हैं आपको इतना समझ आएगा

दोनों ही हमारा एक स्ट्रेट लाइन पे होता है इस केस में हमारा जो वेलोसिटी होता है इट इंक्रीज और बाय इक्वल अमाउंट इस केस में जो हमारा वेलोसिटी होता है इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस अनइक्वल अमाउंट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 10 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज हो रहा है यहां देखिए 30 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज फिर 10 का रिड्यूस देन 30 का इंक्रीज आशा करती हुए आपको ये वीडियो समझ आई होगी एक्सिलेशन के लिए आप इस प्ले में दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपको इस चीज में कुछ समझ नहीं आया है तो प्लीज कमेंट में लिखेगा मैं जरूर आंसर करूंगी आप हमारा फेसबुक का भी पेज लाइक कर सकते हैं वो भी ट्यूटल के नाम से ही है और आप हमारी वेबसाइट डब्ल्यू पर भी जा सकते हैं और वहां पे आपको क्वेश्चंस भी दिखेंगे जिनका आपको हैंड टू हैंड आपकी ग्रेडिंग हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आपको इस टॉपिक के बारे में कितना आता है thank you so much stay safe stay connected have a great